हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो गाइस, मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। दोस्तों आज से हम ये एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले दो चैप्टर। दोस्तों इस एनसीईआरटी का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनसीईआरटी। दोस्तों हमारा पर्पस ये होगा कि हम हर दिन दो चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ख़त्म करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपका जून 30 तक पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर कर दें। उसके बाद दोस्तों हम ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा देंगे जो हमने शुरू करा दी थी। और सारी एनसीईआरटी हमारी पूरी कोशिश होगी कि 19 अगस्त यूपीपीसीएस की डेट आ चुकी है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जुलाई तक हम मैक्सिमम एनसीईआरटी ख़त्म करवा दें। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर है क्या पढ़ना चाहिए हमें, किसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हिस्ट्री पढ़नी क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे या कहीं आप किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी गाँव में बीडीओ होंगे या सीडीओ होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाँव अस्तित्व में आया कैसे, ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से लोग गांवों में रहना शुरू किया या लोग शहर में आए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों हम जानें कि हमारी हिस्ट्री क्या कहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोग रहते कहाँ थे। देखिए जाहिर सी बात है लोग वहीं रहेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें आसानी से मिल सके, और नदियों के पास रहना सबने इसीलिए मुनासिब समझा। क्यों? क्योंकि देखिए नदियों के पास पेड़ होते हैं, नदियों के पास खुद पानी होगा तो रहने के लिए पेड़ नदी चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए, और एक ग्रीनरी रहेगी तो वातावरण भी अच्छा रहेगा। इसीलिए तो सबसे पहले जो गैदरर्स थे वो नर्मदा रिवर के आसपास कहा जाता है कि वो रहते थे। ठीक है, अब गैदरर कौन थे, वो जो क्या बोलते हैं गैदर करते थे फूड। ठीक है, उनके पास क्या बोलते हैं वास्ट वेल्थ क्या थी, पेड़ के रूप में। वो एनिमल को मारा करते थे, जानवरों को मार के खाते थे और नदियों से पानी पिया करते थे। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सुलेमान और किरथार हिल्स दोस्तों, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। मैप में मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये जो हिल्स थे यहीं पे पहली बार कहा जाता है कि जो वीट और बार्ले ग्रो किया गया था कुल 8000 साल पहले। ठीक है, वहाँ पे एनिमल रियर किए जाते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस रिवर है, सुलेमान किरथार हिल्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये एक अभी का पाकिस्तान एरिया है। ठीक है, अब इंडस रिवर देख लीजिए क्योंकि इंडस के जो ईस्ट में जगह है उसको इंडोस कहते थे, आगे हम पढ़ेंगे, और इसी से हमारा नाम पड़ा हिंद भारत। ठीक है, तो ये मैप देख लीजिए, इंडस रिवर है, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा रिवर है, गंगा का पूरा ये मगध प्लेन है या मगध था, और उसके बाद आप देख लीजिए विंध्यास सतपुरा रेंज है, ये गोदावरी रिवर है। ठीक है, महानदी रिवर है, ये सारी रिवर्स हैं, ये सारी पेरेनियल रिवर्स हैं। ठीक है, आप देखिए ये अगला, अब हमें गंगा रिवर के बारे में जानना है। गंगा रिवर के बारे में मैंने आपको दिखाया, गंगा रिवर इतनी पावरफुल क्यों थी, क्योंकि दोस्तों देखिए जब ये हिमालय से निकलती है ये कुल 2000 किलोमीटर का रास्ता कवर करती है, तो दोस्तों वो रास्ता काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी एक फर्टाइल प्लेन को अपने साथ लेके आती है, एलुविलियल सॉइल को, और सॉइल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए गंगा रिवर का अपने आप में एक महत्व है। और गंगा रिवर के किनारे मगध नाम का एक साम्राज्य भी था, इस साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े राजा रहे, महाराजा रहे। कमेंट सेक्शन में 2-3 राजाओं के नाम बताइए जो मगध साम्राज्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब लोग कैसे ट्रैवल करते थे, लोग हिल्स से ट्रैवल करते थे, अपना फ्लड आ रहा है तो कहीं चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती थी पहले। देखिए इतनी सुविधाएँ थी नहीं, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं चीज़ों के वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, आप कैसे ट्रैवल करते हैं ये जानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द लैंड, हमारा भारत नाम कैसे आया, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, सिंधु जो संस्कृत में कहते हैं उसको इंडिया कहते हैं, इंडस। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट जो है अबाउट 25 ईयर अगो, जो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पूरा एरिया है, ये सारा एरिया जो अभी इंडिया कहलाता है वो इंडस के नॉर्थ वेस्ट एरिया में सारा है, इसीलिए ये इंडस कहलाता है। और देखिए दोस्तों भारत जो नाम यूज़ हुआ है वो ऋग्वेद में भी मेंशन है। ठीक है, संस्कृत में, ये इस पे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई नाम जो है वो क्या है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने जान ली कि कौन कैसे रहते थे, क्या था, नाम कैसे आया, कहाँ पे पहले चावल बोए गए, बार्ले आया, वीट आया, ये सब। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चलता था इन सब के बारे में। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है जो हाथ से लिखी गई हो, खुद से, खुद के हाथों द्वारा। ठीक है, अब वो लिखी जाती थी किस पे, पाम लीफ पे लिखी जाती थी,
पेड़ों पे लिखी जा रही है, ठीक है, जो बार्क ऑफ ट्री होता है, जिससे क्या बोलते हैं ऊपरी सतह नहीं होती है पेड़ की, उससे लिखा जा रहा है। तो उन सब चीज़ों पे लिखा जाना तो अच्छा था दोस्तों, लेकिन दोस्तों सवाल उसमें यही था कि लिखने के बाद वो कितने दिन सर्वाइव करता। तो ये है कि सर्वाइवल कितने दिन था वही देखना था इसमें, इसीलिए वो ख़राब हो जाते थे। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा देर नहीं चली, मैन्युस्क्रिप्ट के बाद क्या आई दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट के बाद आया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या था, आप आज भी देखते होंगे कि पत्थरों पे चीज़ें लिखी हुई हैं, और पत्थरों पे, और जाहिर सी बात है पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, तो इसलिए पत्थरों पे इंस्क्रिप्शन लिखे जाने लगे। और किंग्स जो थे वो लिखवा देते थे पत्थरों पे कि हाँ भाई लोग उनकी बात माने, उनको पढ़ें। और हिस्ट्री भी देखिए आज भी जानने को कितना कुछ मिलता है कि भाई यहाँ पे ये पत्थर आए थे, तो इसलिए तो इंस्क्रिप्शन इन्हें कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे उनको पीछे की चीज़ें पता चलती हैं, तो वो एक्सकवेट करते हैं, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जान जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स वगैरह इन सब चीज़ों पे भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद हमें इसमें इस चैप्टर में पूरे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है दोस्तों। डेट्स का एक बार देख लीजिए कि BC, CE या बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों जब क्राइस्ट का जन्म जिस साल हुआ है उसी से ईयर डिवाइडेड है। क्राइस्ट के जन्म से पहले के हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जो कि BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद का हम कॉमन एरा में तब कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं लेटर्स विद डेट पूरी NCERT की बुक्स में जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी पार्ट ब्लू सेक्शन में होते हैं या ब्लू बॉक्स में होते हैं उन्हें प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल वो चीज़ बताई जो मैंने बता दी, लेकिन प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर, अभी का ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम दोस्तों दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या कहता है, दूसरा चैप्टर बताता है कि अर्लीस्ट पीपल कैसे आए। अब हम हंटर गैदरर्स के बारे में, हमें पता है आपको पता है कि हंटर गैदरर्स होते थे, वो हंट करते थे, वो अपना सामान इकट्ठा करते थे और वो खाते थे, उसी तरह रहते थे, ठीक है। अब क्यों करते थे, क्योंकि देखिए भाई एनिमल्स थे, इतनी सारी चीज़ें थी, उनकी लाइफ में भी अलग स्ट्रगल्स होते थे कि भाई वो हंट कर रहे हैं, मान लीजिए एनिमल बहुत खूंखार है, वो शेर का हंट करने चलेगा हाथ से तो शेर उनका ही हंट कर देगा, है ना। तो इसलिए एनिमल्स का हंट करने के लिए टूल्स आने लगे। टूल्स क्यों ज़रूरी थे, क्योंकि भाई उन्हें अपने आप को बचाना होता था, इसलिए टूल्स, अब टूल्स का उत्पन्न होगा। अब उससे पहले हमें जानना होगा कि क्यों हंटर गैदरर्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों ये क्वेश्चन अब नहीं इतने रेलेवेंट हो जाते क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्चुअल और आने लगे हैं, पर ये अभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला रीज़न क्या है कि अगर एक जगह वो रहेंगे देखिए तो सारे रिसोर्सेज वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे। तो जब अगर रिसोर्सेज वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई पर्पज़ नहीं बचेगा, फिर तो नुकसान ही होगा सबका, इसलिए वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कि एनिमल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे किस लिए, या तो प्रे को सर्च करते हुए या तो घास पत्ती खाने के लिए, तो उनके पीछे भी उन्हें जाना पड़ता था। तीसरा है कि प्लांट और ट्रीज़ हैं जो, अब देखिए जैसे आम है, आम का पेड़ सिर्फ और सिर्फ जून में या मई में देगा आम, अब वो ऐसा नहीं है ना कि सितंबर अक्टूबर में देगा। अब जैसे तो हाइब्रिड क्वालिटी या अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, पहले तो नहीं था ऐसा, तो इसलिए दोस्तों उन्हें सीज़न बाय सीज़न अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि ट्रीज़ जो थी वो तभी फल देती थी जब वो एक पर्टिकुलर सीज़न में आती थी, ठीक है। अब चौथा क्या है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। अब कई जगह पानी तो पेरिनियल होता है, साउथ में आप जाएंगे तो देखेंगे हर टाइम पानी नहीं होता, जब मानसून का ही पानी है वहाँ, वहाँ तो पहाड़ है नहीं, पहाड़ हैं भी तो वो आइस नहीं है जैसे हिमालयाज हैं वो जो पानी का सप्लाई करेंगे, तो इसलिए पानी की वजह से भी उन्हें जगह छोड़नी पड़ती थी, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे जो भी हैं ये सारे स्टोन्स हैं जो स्टोन्स का यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते थे। अब जैसे देखिए किसी से वो मीट को काटते थे, किसी से पेड़ की सतह को काटते थे, किसी से एनिमल की स्किन को काटते थे, चॉप करते थे फ्रूट को रूट को, ये सब चीज सारे वो काम करते थे। देखिए ये दिखाया ना कैसे कर रहे हैं सारे काम, वही ये काम करते थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट मैप है ये, क्योंकि सारी साइट्स हैं, ठीक है, तो इस मैप को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, बुर्जा होम कहाँ है, इस पर सारे MCQ क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं कि मुंबई के आसपास क्या है, या भीमबेत का कौन से स्टेट में है, या मेहरगढ़ कौन से अभी करंटली कहाँ पे है, कुन्नूल केव्स भी देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, पाटने नाम की जगह है वो इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी पैलोलिथिक न्यूलिथिक मेगालिथिक साइट्स हैं।
अब इसके बाद ये देखिए केव्स थे ये ढेर सारे कि केव्स के बारे में जानना है, स्टोन टूल्स कैसे बनाने हैं इसको हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुर्नूल केव्स क्या है, कुर्नूल केव्स में एशेज मिले हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कुर्नूल केव्स, तो मतलब कि पहले भी आग वाग की उत्पत्ति थी, तो ये एक कुर्नूल केव्स उस बारे में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए एनवायरनमेंट में थोड़ा बदलाव आया, ये इस बारे में डिस्कस कर रहा है कि एनवायरनमेंट में बदलाव आया, एनवायरनमेंट में बदलाव की वजह से वार्म कंडीशंस आई, वार्म कंडीशंस की वजह से कई सारे ग्रासलैंड्स डेवलप किए, ठीक है, और इसकी वजह से एनिमल कई सारे नए आए, कई नए एनिमल जो सर्वाइव नहीं कर पाते थे अब वो सर्वाइव करने लगे। अब देखिए यहाँ पे पहले ब्लू बॉक्स मैंने आपको बताया है कि ब्लू बॉक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया है कि पैलियो मतलब क्या होता है ओल्ड, और लिथोस मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज जो होगी वो ये होगी कि जो 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 साल तक होगी। उसके बाद अब लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक, इसके बाद कई सारी चीज़ें। अब सोचिए आप इतनी हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1% है, क्योंकि 99% हिस्ट्री तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न पढ़ते हैं, लेकिन इतनी सारी हिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1% ऑफ हिस्ट्री है दोस्तों, ठीक है, जो कि चेंज होती गई। 12,000 से 10,000 साल तक जो था वो मेसोलिथिक एज था, इसके बाद माइक्रोलिथिक एज था, ठीक है, ये ऐसे था कुछ। अब रॉक पेंटिंग के बारे में देखिए, रॉक पेंटिंग में क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में आप खुद सोचिए कि अगर आप ने हंट कर लिया, आपने अपना पेट भर लिया, अब आपने खाना खा लिया है, आपके पास पानी है और आपके पास हर चीज़ है, अब आप केव में बैठे हैं, केव में बैठे बैठे मान लीजिए आप सो भी गए, सोने के बाद उठेंगे तो फिर तो खाने लगेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना जो टाइम पास करें। अब पहले के ज़माने में टीवी भी नहीं होती थी, व्हाट्सएप भी नहीं होता था, तो वहाँ क्या करते थे, वो पेंटिंग करते थे। तो पेंटिंग क्यों आई एग्जिस्टेंस में दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वो फ्री होते थे और वो उस टाइम पे वही चीज़ें पेंट करते थे जो वो देख रहे थे उस टाइम पे, तो वो इस टाइम पे यही सारी चीज़ें देख रहे थे इसलिए वो पेंटिंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रिचेस, मैंने अभी पहले आपको बोला था पाटने नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे ऑस्ट्रिचेस के अंडे पाए गए, तो मतलब ऑस्ट्रिचेस इंडिया में थी। देखिए पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें इसी तरह डिड्यूस होती थी कि जैसे आपने शेरलॉक होम्स देखा है कि शेरलॉक होम्स में वो कपड़े देख के बता देता है कि लास्ट नाइट पे वो बंदा कहाँ था या किस तरीके का बंदा है, तो ऐसे ही कुछ देख के हिस्टोरियंस बताते हैं, ठीक है। अब ये एल्सवेयर कहाँ चला था, ये फ्रांस में देखिए, फ्रांस में ये पेंटिंग हुई है कि भाई क्या चल रहा है, ये लड़ाई वड़ाई चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ आज के लिए यही दोनों चैप्टर था, कल फिर हम 2 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, नॉलेज आज को शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू।